हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद नसीम। गाइड, आज हम सीखेंगे फोर स्विच से, यानी 1, 2, 3, 4 स्विच से हम एक लाइट का कनेक्शन कैसे करते हैं, टू वे कनेक्शन। यानी हमने सीखा है टू स्विच से हम एक लाइट का कनेक्शन करते हैं, आज हम सीखेंगे फोर स्विच से वन लाइट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो गाइज, इसमें सिंपल इस प्रकार का कनेक्शन होगा, तो हम इसको आसानी से जान लेते हैं। ओके गाइज, तो चलते हैं हम दूसरे पेज पे। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइज, पहले हम ले लेते हैं एक लाइट। ओके गाइज, उसके बाद में हम ले लेते हैं एक स्विच जो हमारी टू वे स्विच होगी। ओके गाइज, ये हमारी जो फोर स्विच होगी, ये हमारी टोटली फोर स्विच टू वे स्विच होगी। तो ये हम टू वे स्विच ले लेते हैं कुछ इस प्रकार, एंड हम इसका जो फेस का कनेक्शन है, तो आप फेस का कनेक्शन करेंगे पहले। तो हम जो मैन फेस जो हमारा आता है, वो डायरेक्टली हम बीच वाले टर्मिनल में बांध देंगे। तो गाइस, आपको पता ही होगा हमारी जो टू वे स्विच होती है उसमें थ्री टर्मिनल होते हैं। एक न्यूट्रल फेस का टर्मिनल होता है, एक कॉमन यानी आउटपुट का टर्मिनल होता है, तो आपको इसलिए आपको मालूम होगा। उसके बाद में हम जो मैन फेस और बीच वाला टर्मिनल में कॉमन में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल फेस निकलेगा यहाँ से, जो मान लेते हैं हमारा फेस ही, क्योंकि इसमें न्यूट्रल तो है नहीं, तो हमारा फेस ही है वन लाइन यानी टू लाइन। तो यहाँ से हमारा जो निकलेगा वो डायरेक्टली फेस हमारे जो दूसरी स्विच में चला जाएगा। वहाँ से हमारी जो दूसरी स्विच से जो कॉमन निकलेगा वो हमारी तीसरी स्विच में चला जाएगा, एंड जो हमारी तीसरी स्विच से वन लाइन या टू लाइन निकलती है वो हमारी चौथी स्विच में चली जाएगी कुछ इस प्रकार। तो हमारा कनेक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में गाइस, हमारा जो चौथी स्विच से हमारी जो कनेक्शन निकलेगा वो डायरेक्टली हमारा जाएगा लाइट में कुछ इस प्रकार। तो गाइस, लाइट में वायर ज्वाइन करना है फेस वाले टर्मिनल में यानी एल टर्मिनल में। उसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल लाइट से निकलेगा वो हमारा डायरेक्टली चला जाएगा न्यूट्रल। तो गाइस, ऐसे होता है कनेक्शन टू वे स्विच का। आप कहीं पर भी आने से कर सकते हैं कनेक्शन। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और गाइस सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।